नमस्कार दोस्तों, मैं सुबीर और हमारे साथ है शर्मा जी, उनके यहाँ आए हैं। अब हम लोग पिछले वीडियो में रिपोर्टिंग के बारे में दिखाए थे गुलाब के, अब नेक्स्ट हम लोग एक क्रैसेंथेमम ले लिए हैं पूरे वैरायटी वाले, और उसे किस टाइप से लगाना है, कौन सा पॉट में लगाना है और सॉइल मीडिया क्या रहेगा ये हम लोग बताते हैं। तो देर ना करके शुरू करते हैं, चलिए पहन लेते हैं दस्ताने। इसे हम लोग तोड़ दिए थे, तो साइड साइड से जो है सूट निकला हुआ है और ये अब रेडी है कि नेक्स्ट पॉटिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। हम शुरू करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पॉट में डाला हुआ था पहले, अब इसको नेक्स्ट इसमें डालेंगे। इसके बाद जब इसमें ग्रोथ होगा थोड़ा सा, तब जाके 12 इंच वाला में हम लोग इसको शिफ्ट करवाएंगे, तब जाके हम लोग लगभग 100-150 फूल एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका सॉइल मीडिया क्या रहेगा वो आपको बता देते हैं, और सेकेंड पॉट में आप कैसे पॉटिंग कीजिएगा उसके बारे में भी बता देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉट के नीचे एक टूटा हुआ गमला हम लोग रख देते हैं, इसको उल्टा करके नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा बालू भर देंगे, क्योंकि इसमें हम लोग को रखना नहीं है, लगभग हम लोग इसमें 20-25 दिन तक रहेगा, हार्डली एक महीना, उसके बाद फिर से इसको ट्रांसप्लांट करना है, मतलब इससे निकाल के फिर बड़ा गमला में शिफ्ट करना है, ठीक है। अब बालू ले लिए हैं, अब कुछ मिट्टी ले लेंगे, अब गमला के अनुसार हम लोग मिट्टी ले लेते हैं। एक गार्डन सॉइल है, अब इसमें हम लोग मिलाएंगे, जैसे एक हिस्सा आपका गार्डन सॉइल हो गया तो आधा हम लोग इसमें कंपोस्ट मिला देते हैं, ठीक है, एक अंदाज के हिसाब से। अब इसमें और क्या मैन्यूअल डाल सकते हैं ऑर्गेनिक वाला, हम आपको दिखा देते हैं। इसमें डाल सकते हैं बोन डस्ट 1/2 चम्मच, एकदम कम, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज है। इसके बाद हम लोग डालेंगे बोन मिल, ये भी हम लोग 1/2 चम्मच डालते हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, ज़रूरत होगा तो SSP थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि SSP आपको डालना ही है, ठीक है, और कुछ नहीं डालना है, ठीक है। अब इसको हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है। अब मिक्स हमारा तैयार हो गया बढ़िया से, अच्छा से मिक्स हो गया। ये जो आपका ढेला टाइप का दिख रहा है ये रहना चाहिए, ये ठीक है इसके लिए, क्योंकि वाटर ड्रेनेज ठीक से होगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें मिट्टी फिल करते हैं, पूरा तो नहीं भरना है क्योंकि हम लोग इससे तो निकालना है बाद में, ठीक है, पूरा नहीं भी होगा हम लोग चलेगा, ठीक है। अब पूरा हो गया, अब इसमें हम लोग लगभग 2 इंच होल करेंगे, 2 से 3 इंच होल कर लें, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे इसको लगा देते हैं, हो गया रेडी हम लोग। अब इसमें इसको 10 दिन तक ऐसे ही छोड़ना है इस मिट्टी में, उसके बाद आपको अभी से मस्टर्ड केक यानी सरसों खल्ली और एक बाल्टी में सड़ा देना है, और सरसों खल्ली का पानी हर हफ्ते आपको देना है कम कम करके पानी के रूप में, तब जाके ये पूरा भर जाएगा गमला। और नेक्स्ट आपको 28-30 दिन के बाद इसको ऐसे पलटी मार के 12 इंच चाहे 18 इंच जो आपके पास उपलब्ध है, लेकिन मिट्टी वाला गमला, फ्लावर के लिए मिट्टी वाला गमला और लीफ प्लांट के लिए प्लास्टिक पॉट, ठीक है। तो गुलदावती में मिट्टी वाला गमला, ठीक है। अब इसमें हम लोग पानी डाल देंगे, ठीक है, इसको साइड में रखते हैं, बाद में पानी डाल देंगे, ठीक है। कंप्लीट हुआ हम लोग का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, नमस्ते।